अल्लाह कैसे आप सब मैं यहाँ ठीक हो और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होगी और ये हो रहा है शहरी का टाइम तो मैं शहरी बना रही थी तो आज मैंने बनाई है अदरक वाली चाय क्योंकि सिंपल चाय पीने का मेरा मन नहीं था आज थोड़ा सा फ्लेवर आया जाता ना चाय के अंदर तो थोड़ी टेस्टी सी लगती है और मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछ लिया था कि आप भी पियेंगे अदरक आए तो उन्होंने बोला ठीक है अदरक वाली बना लो आज तो आज हमारी तीसरी शहरी हो रही है ये माशाला से अल्लाह पाक ने दो रोज़े भी रखवा दिए ऐसे आराम आराम से हमारे बाकी के रोज़े भी पूरे हो जाए और यहाँ पे मैंने सूजी का आटा गूँधा था तो उसी की दो तीन रोटियाँ मुझे बनानी शहरी में मैंने देखा है जैसे कि आप जितनी भी जल्दी बनाने खड़े हो जाओ लेकिन हम जब तक तैयार करके प्रिपेयर करके यानी कि दस्तरखान लगाओगे जब तक टाइम होने ही वाला होता है थोड़ा ही टाइम बचा होता है तो इस वजह से मैं जल्दी ही बना के निमट जाती हूँ ताकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा टाइम मिले थोड़ा पानी वानी पीने के लिए वरना सब खाना भी खा लो पानी भी पी लो तो फिर पेट बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और अजीब सा लगने लग जाता है इसलिए मैं थोड़ी देर जल्दी खा लेते हैं हम शेरी और यहाँ पे हमारी चाय भी तैयार हो गई है और रोटी भी तैयार हो गई है हमारी अब चाय को मैं थर्मस में इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि चाय का है ना टेस्ट बदल जाता है अगर चाय को बार बार गर्म करो ना तो उसका टेस्ट बदल जाता है और खाना खाने के बाद में चाय पीते हैं तो चाय ठंडी हो जाती है और थर्मस में गर्म रहती है इस वजह से मैंने आज अपना थर्मस में निकाल लिया था तो इसके अंदर मैंने चाय छान दी है दो कप चाय बनाई थी मैंने बस छोटे वाले कप ही बनाए थे और अब मैं बनाने वाली हूँ अंडा यानी कि मुझे इन्होंने कहा था कि मेरे लिए है ना तुम अंडे की भुजिया बना दो तो मैंने चोपर के अंदर प्याज डाली हरी मिर्च डाली और कटिंग कर ली देखिए प्याज तो इतनी बारीक हो गई लेकिन हरी मिर्च पता नहीं क्यों उसमें बारिक नहीं हुई अब मैंने कम थोड़ा चलाया था लेकिन प्याज तो इतनी बारिक हो गई थी तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ देर हो रही थी फिर मैंने ना इसे खा लेंगे और मिर्च तो वैसे भी ये निकाल ही देंगे क्योंकि मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी थी ये वाली क्योंकि ये है बिल्कुल बारीक वाली मिर्च है और फिर मैंने अंडा भी इसमें फेंट के डाल दिया है जल्द जल्दी जल से इसको और लगभग लगभग सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं खाने पीने की अब सिर्फ दस्तरखान लगाऊंगी और दस्तरखान भी मैंने अब लगा दिया मैंने अपने हस्बैंड को उठाया पहले फिर वो अपना हाथ हाथ धोकर आए और फिर उसके बाद हमने अपनी अच्छी सी सैरी करी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीसरी सैरी भी कर ली बहुत ही अच्छी सी और शेरी प्रिपेयर करते करते मुझे लगी आई थी बहुत ज़्यादा प्यास तो मैंने सबसे पहले एक गिलास नॉर्मल पानी पिया और फिर उसके बाद मैंने भी सैरी करी तो मैंने थोड़ा सा आमलेट खाया थोड़े से आलू बने रखे हुए थे रात वाले तो वो भी हमने दस्तरखान पे रख दिए थे और साथ में खीरा और बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और फिर उसके बाद चाय पी मैंने थोड़ी सी लेट चाय पीती क्योंकि मैंने खाना खाते के साथ ही मैं चाय नहीं पीती थोड़ी टाइम के बाद पीती हूँ पाँच दस मिनट के बाद तो मेरे हस्बैंड ने तो पी ली थी और मैंने नहीं पीती तो वो मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी भी निकालो तो मैंने बोला नहीं मेरी फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई थी और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा फिर मैं सो कर उठी तो फिर जेंगो और जानो ऐसे थोड़ा सा इनके साथ थोड़ी सी मस्ती करी इनके साथ थोड़ा सा खेला क्योंकि इन्हें खिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है वरना ये चुपचाप से ना एक जगह बैठे हुए थे एकदम से उदास उदास से तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा एक्टिव कराया इनके साथ खेल खेला फिर उसके बाद ये जो है इनका ये है कमर खुजाऊ यंत्र तो तो इससे ना ये बहुत ज़्यादा खेलते हैं जब से ये आए हैं हमारे पास जेंगो और जानूँ जब से ही खेल रहे हैं और ये स्पिनर जो है ये भी इनका नहीं है ये है मेरी जेठानी के लड़के का जुहान का तो वो यहाँ पर भूल गया था तो मैंने सोटा के रख रखा है इनके हाथ में लगने नहीं देती हूँ मैं वरना इधर उधर कर देंगे फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी रही और फिर और भी काम थे थोड़ी सी नमाज वग़ैरह पढ़ के फिर उसके बाद मैं चली गई किचन में तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ तो मैंने शीर बना दी तो दूध गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने उसमें इलायची डाली कूट के और चीनी भी साथ में ही डाल दी थी और उसके अंदर दो चम्मच बुरादा डाला था खोपरे का बुरादा दो चम्मच डाल दिया था और फिर उसे अच्छी से मिक्स कर दिया तो मैं ये सोच रही थी कि अपने हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल बना लेती हूँ तो मैंने क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ तो मेरी याद में आया कि मुझसे कह थे एक बार कि शेर बना लेना तो ये मलाई है दूध में से निकली है क्योंकि थोड़ी सी आजकल मैं मलाई खट्टी करने लगी हूँ तो फुल क्रीम दूध आता है तो तो ये रहे थोड़े से ड्राई फ्रूट तो मैंने ज़्यादा नहीं डालने थे थोड़े से डालूंगी डालूँगी थोड़े से बादाम किशमिश और पाँचों मगज़ चिरौंजी और मखाने ये सब निकाल के रख दिया था मैंने इतने दूध में उबाल आता है दूध अच्छे से पक जाए फिर इसके अंदर में ये मेवा कट करके डालूँगी तो मैंने बादाम और गोला जो था वो कट करके डाल दिया था और बाकी चीज़ें थोड़ी सी रोस्ट घी में हल्के से में थोड़ी सी रोस्ट करके फिर डालूंगी और किशमिश डालूंगी मैं बाद में क्योंकि किशमिश से थोड़ा सा चीर का फटने का डर सा लगा रहता है तो इसलिए मैंने इसे बाद में डालूंगी और अच्छे से इन सब चीज़ों को मैंने जरा सा सा देसी घी डाल के थोड़ा सा एक चम्मच और फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लिया था और सिवियाँ निकाल के उनको क्रश कर लिया था थोड़ा छोटा छोटा सा वरना वो लंबी लंबी सी नूडल्स ही लगती हैं वो सही नहीं लगती तो इसलिए थोड़ा सा क्रश करके ही डालना चाहिए आप भी इसे डालिएगा और मैं तो ऐसे ही डालती हूँ तो फिर ऐसे डालने के बाद थोड़ी सी डाली थी मैंने क्योंकि एक बार चेक कर लो जैसे कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कम रह जाए फिर थोड़ी सी और डाल दी मैंने क्योंकि मुझे कम लग रही थी तो फिर मैंने अच्छे से डाल के इसे खूब उबाला अच्छे से यानी कि हल्के आँच पर रख दिया था मैंने बात ये थोड़ी सी पकती रही थी और साइड में हमारे मखाने और वो पाँचों मग़ज़ भी रोस्ट हो गए थे तो ये शीर तैयार हो चुकी है और ये इंस्टेंट थी बहुत जल्दी बन गई क्योंकि ज़्यादा दूध की नहीं थी थोड़ी सी बनानी थी मुझे तो फिर उसके बाद सब चीज़ें मिक्स कर दी मैंने और फिर साइड में रख दिया था इसे ठंडे होने के लिए और किशमिश भी मैंने अब लास्ट में ऐड कर दी थी धो के फिर तो इस शेर में आप मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं मैंने थोड़ा सा कम रखा था क्योंकि तो मीठी चीज़ों में मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है यानी कि तेज़ मीठे से मुझे अच्छा नहीं लगती और मेरे हस्बैंड भी हल्का मीठा ही खाते हैं तो उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ पास्ता तो यहाँ पे एक पेड़े का मेरे पास सूजी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसका पास्ता बना लेती हूँ तो मैंने निकाला चकली में कर अपना और उसके अंदर से मोटी वाली जाली लगाई है ये वाली इसमें की एक पतली भी है पर मैंने मोटी वाली लगाई थी और इसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर लूँगी मैं और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी अपना आटा जो मेरा बूंदा हुआ रखा हुआ है पहले मैं सोच रही थी इससे यानी कि हाथ से कटिंग करके जो पास्ता बनाते वो बनाते फिर मैंने बोला कि चकली मेकर तो हैगा मेरे पास चलिए दूसरा वाला पास्ता बना लेते हैं तो ये भी ट्राई कर लेंगे पहले भी मैंने एक बार बनाया था इससे ही पास्ता बनाया था तो आज मैं आपको भी दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया था तो इसको आटा थोड़ा सा सख्त होना चाहिए ये थोड़ा मुलायम हो गया था क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था सुबह मैंने गूँधा था वो था लेकिन अगर आप हाथों हाथ गूँध रहे हैं इसके लिए आटा तो थोड़ा सख्त और ये आटा जो है ये है सूजी का तो ये एक हेल्दी वे में भी चला जाएगा क्योंकि आज मैं पकोड़े शकोड़े कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरा मन भी नहीं है और पहले भी मैंने बना लिए थे पर वो सारे बच गए थे फिर मैंने अपने हस्बैंड को ही खिलाए थे तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि चलो पास्ता बना लेती हूँ तो ये गर्म पानी कर लिया था अगर आपके आटे में नमक नहीं डला हुआ तो आप इसके पानी के अंदर भी नमक डाल सकते हैं थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं मैंने भी थोड़ा सा ऑयल डाला था और फिर इसके बाद इसे घुमाना थोड़ा सा टास्क होता है थोड़ा सा डिफ वो डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और फिर छुरी पे भी थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा मैं लगाना भूल गई थी लेकिन आप लगा लीजिएगा उससे आराम से कट जाती तो हैं और इस तरीके तो से तो ये तो कुछ तो अलग सी मोटी मोटी सी नूडल्स सी लग रही थी पर आप इसे यानी कि पानी उबलता हुआ होना चाहिए ये रहा देखिए अब इसको मैं छान लूँगी पानी से तो और ठंडा पानी इस पर बहा दूँगी थोड़ा सा अब इसे छान लेती हूँ ये मैंने छान लिया है छन्नी में और फिर इसके बाद थोड़ा सा इसमें तेल लगा देना है और फिर अच्छे से इसे मिक्स करके यानी कि सब चीज़ों पे इससे चिपकती नहीं है और फिर इसे मैं एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफर करके और इसे फ्रिज में रख दूंगी पाँच दस मिनट के लिए इतने मैं और काम निपटा लेती हूँ अपने इसे थोड़ी देर के फ्रिज में रख दूँगी ठंडी हो जाएंगी उसके बाद इसका मसाला बनाएंगे और फिर इसके बाद इसे रेडी करेंगे कि कैसे बनाते हैं वैसे तो आप जैसे पास्ता बनाते हैं नूडल्स बनाते हैं किसी भी तरीके से बना सकते हैं और शेर भी यहाँ पे लगभग लगभग ठंडी हो गई थी इसलिए मैंने सोचा कि इसे इस डिश में ट्रांसफ़र करके और इसे फ्रिज में रख देती हूँ और ये डिशें भी मुझे लेकर आनी क्योंकि मेरी शादी की हैं बहुत ज़्यादा पुरानी हो रही हैं अब इन्हें चेंज करना है मुझे और यहाँ पर मैं बना रही हूँ टेंग तो तो अपने सिपर में ही बनाऊँगी मैं क्योंकि मैं घर पर अकेली हूँ और मेरे हस्बैंड होते हैं तो मैं जग में बना लेती हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ और ना ही उसमें कोई चीनी ऐड करती हूँ अगर मैं अकेली होती हूँ बस एक सेशे डालती हूँ और उसमें पानी नॉर्मल वाला फिर इसमें इसे रख दिया था मैंने क्योंकि बाहर हमारी चीटियाँ आ जाती हैं हर चीज़ में पर ये ठंडा नहीं हुआ था नॉर्मल था नॉर्मल ही पीती हूँ मैं क्योंकि अभी मौसम ऐसे हुआ है गला ख़राब ना हो जाए या मेरी तबीयत ख़राब हो जाए फिर रोज़े नहीं रखे जाएंगे इस वजह से मैं नॉर्मल ही पानी पी रही हूँ ज़्यादा ठंडा ठंडा नहीं कर रही हूँ और ये देखिए पास्ता बिल्कुल अच्छा हो गया है अलग अलग है तो अब रेडी करते हैं इस पास्ते को भी इसके अंदर मैंने पहले सबसे पहले मैंने सोचा लगा कि तेल गर्म कर रही हूँ तो सबसे पहले कचरी फ्राई कर लेती हूँ थोड़ी सी थोड़ा सा दस्तरखान पे ना अच्छी सी लगती हैं और वेफर्स के बगैर जैसे दस्तरखाना अधूरा अधूरा लगता है ना और फिर उसके बाद सारा मैंने तेल एक कटोरी में निकाल लिया था और फिर उसके बाद प्याज डाली टमाटर डाले और ये मेरे पास थोड़े से आलू लच्छा रखे हुए थे तो मैंने इसका भी यूज़ हो जाएगा और इसे भी मैंने इसमें डाल के अच्छे से सोटे कर लिया और फिर उसके बाद अपना पास्ता डाल दिया इसके अंदर और फिर उसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया नमक मिर्च में मैंने थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला था क्योंकि पास्ते में भी नमक था नहीं उसमें पास्ते में भी नमक था और आलूओं में भी नमक था इसलिए थोड़ा सा ही डाला था कभी तेज़ हो जाता तो किसी काम का नहीं रहता इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा डाला था और ये भी रेडी हो चुका है पाँच मिनट इसे पकाया और उसके बाद ये रेडी है और दस्तरखान पे मेरी ट्रे सज चुकी है जाने के लिए तैयार और माशाला से हमारा दस्तर खान भी बिल्कुल रेडी हो गया है अभी दो चार दिन तक मुझे अकेले ही रोज़ा अफ्तार करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा ज़रूरी काम है इसलिए वो बुटीक गए हुए थे अपने तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं और अलहमद हमारा तीसरा रोज़ा अवतार भी कंप्लीट हो गया है तीसरा रोज़ा भी हमारा पूरा हो चुका है माशा से अल्लाह पाक हमें सारे रोज़े रखने की हिदायत दे और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद जेंगो की थोड़ी सी मसाज करी इसे खुजली हो रही थी क्या हो रहा था ये मेरी गोदी में आ गया और गर्दन ऊपर करने लगा भाई तो मैंने इसकी थोड़ी सी गुदगुदी सी कर दी थी यहाँ पे क्या कहते हैं उसे खुजली कर दी थी तो थोड़ा प्यार कर दिया था और फिर उसके बाद ये भी आ गए थे तो आज ही मार्केट से ही ले आए थे खाना तो ये नहारी लेकर आए थे तो इन्होंने कहा कि मेरा कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है तो मैंने बोला चटपटी तो नहारी ही हो सकती है तो नहारी लिया और फिर उसके बाद ये आए आ गए थे और फिर मैंने इन्हें शेयर खिलाई ये बहुत खुश हो रहे थे तो इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब